सुपौल में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवक को गोली से छलनी कर दिया, इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है। घटना से गुस्सा आए ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ कई घंटों तक NH जाम कर दिया। युवक सोनू शाह किशनपुर थाना क्षेत्र के करहिया पंचायत के अबुआर गांव के वार्ड 3 का निवासी था। ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को भी बुलाने की मांग की। घटना हुआ विगत 2 महीना से, यहां का पुलिस प्रशासन जो है ना चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। किशनपुर पुलिस के हाजत में आदमी को मारा गया है। उस समय CCTV कैमरा बंद हो जाता है, क्यों नहीं जवाब दे रहा है वरिष्ठ पदाधिकारी? ये सारा का सारा मिलीभगत खेल है। किशनपुर पुलिस प्रशासन निकम्मा है। 12 बजे से अभी पब्लिक का कोई भरोसा नहीं रह गया है। हम लोगों का, आम पब्लिक का मांग है, अविलंब अपराधी को पकड़े और ये भ्रष्ट SHO किशनपुर SHO को अविलंब निलंबित करें। यस यस, यही चाहिए। थाना अभी जो है आपको, अभी जो है किशनपुर थाना SHO जो है आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ दिया आश्वासन नहीं दिया है। आज से आश्वासन नहीं, ये विगत 6 महीना से जो भी घटना हुआ है सब में आश्वासन मिलता है। लेकिन होता क्या है, जो आम पब्लिक का, जो अपराधी जो जिसका घटना हुआ है उसका परिजन जब सड़क जाम करता है, आक्रोशित होता है, उसी के ऊपर FIR करता है। यहाँ का प्रशासन बस यही करता है और कुछ नहीं करता है। उससे रुपया लेता है, इससे रुपया लेता है, दारूबाज के साथ सट्टेबाजी करता है, यही धंधा रह गया है। आप देख लीजिएगा दिन में या रात में किशनपुर थाना का जो भी स्टाफ है सभी लुच्चा लफंगा दारूबाज सबसे संपर्क रखा हुआ है। आम पब्लिक से यहाँ के प्रशासन को किसी से संपर्क नहीं है। थाना में आप जाइएगा, किशनपुर पुलिस आप थाना में जाइएगा, पैसा दिया चला है, भला आदमी नहीं मिलेगा। टोटल का टोटल दलाल बैठा हुआ रहेगा किशनपुर थाना में। यही है किशनपुर थाना का हाल। जब तक कि किशनपुर SHO को निलंबित नहीं किया जाता है और अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, हम लोग यहाँ सड़क पर हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कुछ नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। एक गांव यहाँ पर है बगल में, उसमें 2 साथ रहने वाले लड़कों में आपस में झगड़ा हुआ है और एक लड़के ने दूसरे को गोली मारी जिससे मौत हो गई और व्यक्ति पहचान का है और नामजद FIR गुजारा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ 9 लोगों ने रोड जाम किया, पुलिस प्रशासन आई, वहाँ पर DSP आए, SDM आए, सभी आए, सभी अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिसमें इनका मांग था कि DMSP आए और जैसे ही हम लोग आए हैं, इन लोग हैं जो उग्र हो गए हैं, रोडबाजी शुरू किए हैं, तो हम लोगों ने कंट्रोल किया है। अभी मामला है जो पूरी तरह सर कुछ शांतिपूर्ण, कुछ फौज को भी मतलब पत्थर लगी है सर, कुछ है सर? वो अभी आकलन नहीं हुआ है, अभी रबर पैलेट हम लोगों ने चलाया है ताकि को हटाने के लिए। सर गोली भी चली है? गोली नहीं चली है, ये रबर बुलेट इसको बोलते हैं, आवाज़ करती है। अरे फायरिंग तो दिखा रहे हैं ना, ये क्या है? इसे रबर बुलेट।